फाइनली वी आर अबाउट टू डू आर लास्ट स्टेप, दैट इज़ द पिनिंग ऑफ किमोनो ड्रेस. हम इसको पिन करेंगे फाइनल और हम इसे मैनिकन पे लगा देंगे. तो पिनिंग के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने इस फ्लैप को, जो मेरा पॉकेट का फ्लैप था, उसको मैंने आयरन कर लिया. जो उसकी 1 की अलाउंस थी दोनों साइड्स पे, उसे मैंने क्रीज दे दी आयरन से. अब मैं ये करूँगी, मैं इस पीस को पकड़ूँगी और मैं इसको सैंडविच करूँगी. ये मैंने पकड़ा और मैं इसको यहाँ पे सारी लेयर्स को इकट्ठा पकड़ना है. मैं इसको पिन कर दूँगी. ज़्यादा पिन्स मत लगाइएगा, यहाँ पे 3 पिन्स भी मोर देन इनाफ हैं. यहाँ पे अब मैंने इसको भी डाल लिया, ठीक है. मैंने 3 पिन्स के साथ इसको ज्वाइन कर दिया. अब मैं अगला स्टेप ये करूँगी, मैं अपने इस पीस को अपने पैनल के ऊपर रखूँगी. एक और चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पे हमारे पॉकेट का पाउच आ रहा है ना, यहाँ पे भी आपने नॉचेस मार्क कर लेनी है. ये जहाँ पे हमारी पॉकेट आ रही है, यहाँ इसको प्लेस करें जैसे मैंने किया ये वाला. और ये देखें, इसे प्लेस करने के बाद ना मैं इसको 1 गो में पिन कर दूँगी. मैं अपने इस वाले पैनल के अलावा इसको फोल्ड करूँगी. जी अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने फ्रंट के पैनल को पिन करूँगी अपनी साइड पैनल के ऊपर. ज़रूरी नहीं कि आप इसको आयरन करें, इसे हाथ से ही बस स्मूथ करें अच्छे से. अब मैं पिन करना स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले जैसे हम बस की पिन थी, मैं बस पॉइंट को पिन करूँगी. ठीक है, फिर मैं बारी बारी फिर मैं अपने वेस्ट को पिन कर लेती हूँ. इन बिटवीन पिनिंग करें. ये देखें, इसके ऊपर मैंने प्लेस किया हुआ है और अब मैं इसको इसके ऊपर प्लेस कर दूंगी. हिप नॉच को हिप नॉच पे रखें. अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं अपने फ्रंट पे भी नॉच मार्क कर लूँगी, जो मेरा फ्रंट का पैनल है. तो मैं साइड फ्रंट से इसका नॉच वहाँ पे ट्रांसफर कर लूँगी. पॉकेट को पिन करें, इसको पिन करें और मैं इसको ऑल द वे हेम तक पिन कर लूँगी. और इसको साथ ज़रूर पकड़ना है, जो नीचे वाली लेयर है, ठीक है. मैंने इसको भी साथ पिन कर लिया. ठीक है, हमारे इस पीस की पिनिंग हो गई है. मैं डार्ट को भी पिन कर लेती हूँ. ये मैंने डार्क को पिन कर लिया. अब इसके बाद मैं साइड से इनको पिन करूंगी. नाउ कम्स टू टर्न ऑफ माय सेंटर बैक, ठीक है. अब मैं साइड से इनको पिन करने लगी हूँ. तो
साइड सीम को पिन करने के लिए आपको याद होगा हमने यहाँ से देखें इतना बाहर निकाला हुआ था, मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी, ये देखिए टू पे, और मैं इसको बिल्कुल सेट कर लूँगी टू की अलावेंस पे, ठीक है। जब मैं पिन करूँगी तो सबसे पहले मैं ऊपर से पिन करते हुए नीचे आ जाती हूँ, जैसे हम आर्म होल को पिन करते हैं। मैं आर्म होल पिन करूँगी, ठीक है। फिर आ गया मेरा पास पॉइंट, पिनिंग करते ही ऐसे हैं, पहले आप नॉचेस को ज्वाइन करते हो जो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद आप इन बिटवीन पिनिंग लगाते हो। मैं इन बिटवीन पिनिंग कर रही हूँ, जैसे पहले बताया था यहाँ पर भी आप नॉट्स कर लें कहाँ हमारी पॉकेट आ गई बैठ। अब मैं जैसे पहले बताया था इसको अंदर मूव करूँगी, यहाँ पे मैंने मूव किया और मैंने इसके ऊपर जैसे प्लेस किया, और अब मैं यहाँ पे पिन मार्क कर लूँगी डन। उसी तरह नीचे से भी जो हमने अंदर शिफ्ट करना था वो मैं करूँगी। ये मेरी दूसरी अलाउंस है, ये मेरी हिप नॉच है, हिप नॉच को भी मैं इस पर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ जो नीचे वाला था, लेकिन नीचे था ना, इसको मैंने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, और मैं अब इसको पिन करूँगी यहाँ पे, ठीक है। फिर इन बिटवीन पिनिंग कर लूँगी, एक पिन आ जाएगी, ये देखें ये वो वाली ईसी जो मेरी पॉकेट में आएगी यहाँ पे। अब मैं हेम तक पिन कर लूँगी इसको स्ट्रेट, ये मैंने पिन शुरू कर, यहाँ पे मैं पिन यहाँ से स्टार्ट करूँगी और अब मैं हेम पे पिन करूँगी जैसे पहले किया था। फिर इन बिटवीन दो पिन्स लगा लें, मैंने यहाँ पे अपनी पहले पिन लगाई और ये मेरी होगी सेकंड पिन। अब मैंने अपनी फ्रंट कर लिया, मैंने अपनी साइड सीम कर लिया, मैंने बैक कर लिया। अब मैं ऊपर की योक किसको इसके साथ अटैच करूँगी यहाँ पे फ्रंट और बैक की, और फिर मैं स्लीव को करूँगी जैसे पहले किया था।